Good morning class. This is our pathology class in which today we will study about the stool examination. Actually, many diagnostic tests can be easily done on a sample of stool, that is feces. Stool examination is very useful in the evaluation of colorectal carcinoma, malabsorption, diarrheal disease and parasitic infestations. Its unpleasant odor and appearance should not be hindrance to a trained technician in doing a systemic or systematic examination. This would provide useful information about the patient and his disease. तो क्या है human feces, जिसको अपन stool कहते हैं. Feces एक plural Latin term है, fix से बना है, जिसका मतलब है residue. स्कैटोलॉजी या कैप्रोलॉजी वो स्टडी है जिसके अंदर पर स्टूल या फीसिस की स्टडी करते हैं. इसका एग्जामिनेशन जो किया जाता है वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, माल एब्जॉर्प्शन, डायरल डिजीज या पैरास्टिक इन्फेक्शन को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है. हालांकि इसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है जो अच्छी नहीं लगती है. इसका अपीयरेंस भी बहुत अजीब होता है, पर फिर भी ट्रेन टेक्नीशियन इसको अच्छे सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन कर सकता है. अब इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें 3/4 वाटर और 1/4 सॉलिड होता है. अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होता है. इंटेस्टाइनल सीक्रीशंस, म्यूकस होता है, बाइल पिगमेंट्स, सॉल्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स के अंदर पाई जाती हैं. स्टूल सैंपल को कलेक्ट कैसे करेंगे? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए आपको हमेशा फ्रेश सैंपल ही टेस्ट में लेना चाहिए. स्टूल को आप ड्राई, स्टेरिलाइज्ड, वाइड माउथेड कंटेनर के अंदर लीजिए. अनकंटेमिनेटेड होना चाहिए वो स्टूल, उसमें कोई यूरिन या कोई दूसरे बॉडी सीक्रीशंस मिले हुए नहीं होने चाहिए. फिर आप उसकी प्रॉपर लेबलिंग करिए कंटेनर की. ये सावधानियां हमारे को रखनी है. आप वाइड माउथेड ग्लास या प्रेफरेबली प्लास्टिक जार्स विद स्क्रू कैप, डिस्पोजेबल चीज़ें आप इसमें काम में ले सकते हैं. अब आपको क्या करना है, कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, उसके बाद अपन ये स्टूल एग्जामिनेशन देखेंगे. कि आपको वही मॉर्निंग सैंपल लेना है, वो लेबल्ड होना चाहिए, टाइम ऑफ कलेक्शन उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, उसको कवर करके रखना है ताकि वो ड्राई ना हो जाए, यूरिन वगैरह से कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए, कंटेनर ओवरफिल्ड नहीं होना चाहिए. स्पेसिमेन को 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एग्जामिन करना है. वार्म स्टूल ओवा और पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, इसलिए हमें इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए. सैंपल ऑफ स्टूल जो है रिक्वायर्ड इज स्मॉल. इफ़ ब्लड एंड मेकस इज प्रेजेंट, द एरिया इज टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी. तो भाई हमारे को थोड़ा बहुत ही स्टूल चाहिए होता है, ब्लड म्यूकस उसमें है, तो फिर भी थोड़ा सा हमारे को उसका एरिया देखना होता है कि कहाँ पर वो पाया जा रहा है. एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से पहले हमारे को स्टूल सैंपल कलेक्ट करना है, वरना आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे. कुछ इंटरफेयरिंग सबस्टांसेस जैसे मीट, बेरियम ऑयल, बिस्मथ और एंटीबायोटिक जो होते हैं उसके टेस्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं. अगर आपको प्रिजर्व करना हो स्पेसिमेन को तो फॉर्मेलिन सलाइन रिएजेंट के अंदर आप प्रिजर्व कर सकते हो. अब कौन कौन से एग्जामिनेशंस आपको करने हैं तो देखिए, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो अपन ने सब में पढ़े थे वो इसमें काम में लेते हैं. मैक्रोस्कोपिक के अंदर आप वॉल्यूम, कलर, कंसिस्टेंसी, ऑर्डर, ब्लड, म्यूकस, मतलब ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन है. और एडल्ट पैरासाइट्स को आप देख सकते हो जो कि माइक्रोस्कोपिक में, और माइक्रोस्कोपिक में खैर एडल्ट पैरासाइट्स तो माइक्रोस्कोपिकली दिखते हैं. केमिकल में आप उसका पीएच, फैट, नाइट्रोजन, स्टर्कोबिलिनोजन, कॉप्रोपोरफायरिन, ऑकल्ट ब्लड, रिड्यूसिंग शुगर आप देखते हैं. इसके अलावा वेट माउंट प्रिपरेशन आप बना सकते हैं. नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन बनती है, लिगोल्स आयोडीन प्रिपरेशन बनती है, बफर्ड मिथाइलिन ब्लू प्रिपरेशन, ईओसन सॉल्यूशन प्रिपरेशन इसकी बना सकते हो. स्टेनिंग प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो ट्राइक्रोम स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग, मॉडिफाइड जेडन यानी जील नेल्सन स्टेनिंग, कॉल्कोफ्लर वाइट स्टेनिंग प्रोसीजर काम में ले सकते हो. कंसनट्रेशन मेथड में फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन मेथड होते हैं. फ्लोटेशन में सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट सेंट्रिफ्यूगल फ्लोटेशन, शीथर्स शुगर सेंट्रिफ्यूगल फ्लोटेशन आता है, और सेडिमेंटेशन मेथड में फॉर्मल ईथर मेथड आते हैं. तो ये सारे स्टूल एग्जामिनेशन में काम में आने वाली चीज़ें हैं. अब सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें अपन को क्वांटिटी चेक करनी है. तो देखिए वॉल्यूम क्या है, 200 ग्राम पर डे से भी
आपका वॉल्यूम देखने को मिल रहा होता है, या आप कहिए 100 से 250 ग्राम पर डे जो है क्वांटिटी स्टूल की होती है, वो बाकी डिपेंड कर रही होती है भाई पर्सन की डाइटरी हैबिट्स के ऊपर। जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं उनमें थोड़ा सा बल्कियर स्टूल प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल रेंज तो हमने पढ़ी ली है। फिर इसके बाद आपको इसका कलर देखना है, नॉर्मल येलोइश ब्राउन कलर होता है बाइल और बिलीरुबिन के कॉम्बिनेशन की वजह से, येलोइश ब्राउन, क्योंकि इसमें स्टर्कोबिलिन प्रेजेंट होता है जो इसे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टर्कोबिलिन जो है, जब बिलीरुबिन से पिगमेंट डिराइव होता है, यूरोबिलिन से कन्वर्ट होने बाद बिलीरुबिन से पिगमेंट इसका डिराइव होता है, स्टर्कोबिलिन जो इसको कलर प्रोवाइड करता है। अब दूसरा, एबनॉर्मल कलर अगर हो तो येलो, ग्रीन, ब्लर्ड स्ट्रीक, ब्राइट रेड, ब्लैक और वाइट कलर हो सकता है। ब्लैक और टैरी स्टूल जो है वो अपर जीआईटी की ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, जिसको अपन मेलिना कहते हैं। दूसरा, ब्राइट रेड कलर जो है वो लोअर जीआईटी ब्लीडिंग, जैसे किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो गई हो तो ऐसा दिखाई देगा। क्लियर कलर का स्टूल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को इंडिकेट करेगा, और वाइट कलर का स्टूल बेरियम मील स्टडी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आपको देखना है कंसिस्टेंसी एंड फॉर्म। नॉर्मली सॉफ्ट एंड फॉर्म्ड स्टूल जो है वो पास होता है। अगर स्टूल एबनॉर्मल होगा तो वो हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लार्ज म्यूकस वाला भी हो सकता है, राइस वाटर भी हो सकता है। अगर सॉफ्ट, मशी, लिक्विड, वॉल्यूमिनस स्टूल पास हो रहा है तो डायरिया को और पर्गेटिव्स के इनटेक को इंडिकेट करता है। अगर हार्ड है तो कॉन्स्टिपेशन को इंडिकेट करेगा। स्मॉल, न्यूमरस, लार्जली म्यूकस एंड ब्लड और स्मॉल अमाउंट का स्टूल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डिसेंट्री हुई, और डिसेंट्री दो तरह की होती है, अमीबिक डिसेंट्री और बेसिलरी डिसेंट्री। फ्लैट एंड रिबन लाइक स्टूल है तो वो बॉवल के ल्यूमन के ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। सेमी सॉलिड डायरिया, डाइजेस्टिव अपसेट्स को, या जो लेग्जेटिव ले रहे होते हैं उस चीज़ को इंडिकेट करेगा। वाटरी स्टूल जो है वो पर्गेटिव्स को इंडिकेट करता है। राइस वाटर स्टूल टिपिकली कोलेरा को इंडिकेट करेगा। फीकल मैटर नहीं है, सिर्फ राइस वाटर का स्टूल पास हो रहा है तो ये यानी कोलेरा है, जो थिन वाटरी कलरीज होता है ये स्टूल। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर जो है स्टूल की वो अनप्लीजेंट एरोमेटिक ऑर्डर होती है, इंडोल और स्केटॉल की वजह से, जो इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन और प्यूट्रीफैक्शन से बनते हैं। ये ऑर्डर वेरी कर सकती है स्टूल की पीएच के साथ में। अगर ऑर्डर बढ़ी हुई है, इसका मतलब एक्सेसिव प्रोटीन इंजेक्शन उस पर्सन ने किया है, और सॉर रैंसिड ऑर्डर आ रही है तो फैटी एसिड जो है मिल्क इंडाइजेशन की वजह से, फैटी एसिड की वजह से होता है। बच्चों में, बड़ों में ऐसा देखने को मिलता है, नॉर्मली बच्चों में ऐसी कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। पुट्रिड है तो वो सीवियर डायरिया, मेलिग्नेंसी की वजह से, या गैंग्रीनस डिसेंट्री की वजह से हो सकता है। डिसेंट्री पेट खराब होना, अमीबिक और बेसिलरी जो कि गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट है ब्लडी म्यूकस, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल। तो ब्लड नॉर्मली स्टूल में एब्सेंट होता है। द मोस्ट कॉमन कंडीशन एसोसिएटेड विद ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल इज टर्म्ड एज डिसेंट्री। डिसेंट्री ऐसी बीमारी जिसमें स्टूल में ब्लड म्यूकस दिखाई देता है। डिसेंट्री दो तरह की, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, अमीबिक डिसेंट्री जिसको अपन प्रोटोजोआ की वजह से होती है, बेसिलरी बैक्टीरिया की वजह से होती है। और हमारे को इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए अमीबिक डिसेंट्री कैसी होती है, बेसिलरी डिसेंट्री कैसी होती है, ताकि हम ट्रीटमेंट दे सकें। भाई बैक्टीरिया से हुआ है तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक देंगे, अमीबा से हुआ है तो दूसरी ड्रग देंगे। तो इसके हमारे को एक तो ड्रग्स ये पता होने चाहिए। इसके अलावा ब्लड म्यूकस अल्सरेटिव कोलाइटिस में, नियोप्लाज्म में, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस में भी हो सकता है। म्यूकस स्मॉल क्वांटिटी में, म्यूसिन जो है वो तो नॉर्मल है, स्टूल में प्रेजेंट हो सकती है। स्मॉल क्वांटिटी में है तो फीसिस फ्रॉम स्मॉल गट, स्मॉल गट से फीसिस आ रही होती है उसमें ऐसा हो सकता है। एक्सेसिव क्वांटिटी है, इसका मतलब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ है। एंटायरली म्यूकस अगर आपको लिटिल और नो फीसेस के साथ में और ब्लड हिस्ट्री के साथ में दिख रहा है तो डिसेंट्री, इलियोकोलाइटिस, इंट्यूसप्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। इसके अलावा अपने को स्टूल में, आप जो मैंने आपको बोला कि अगर डिसेंट्री हो तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जैसे अमीबिक डिसेंट्री एसिडिक नेचर की होती है, बेसिलरी एल्कलाई नेचर की। अमीबिक कभी भी कंटेनर के चिपकता नहीं है स्टूल,
बेसिलरी वाला चिपकेगा। अमीबिक में ब्लड होगा, म्यूकस होगा, फीसिस होगा। बेसिलरी में ब्लड, वाटर, म्यूकस तो होगा पर फीकल मैटर नहीं होता। अमीबिक डिसेंट्री की ऑर्डर ऑफेंसिव होती है, बेसिलरी की ऑर्डर लेस होती है। बस इतना याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। इसके अलावा आपको पैरासाइट्स जो हैं उसके पार्ट्स या पूरा पूरा पैरासाइट भी दिख सकता है। स्टूल में कंटेन एडल्ट वर्म्स और सेगमेंट ऑफ वर्म्स, एग्जांपल राउंड वर्म, पिन वर्म, विप वर्म, हुड हुक वर्म, टेप वर्म, तो इनको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है अगर ये दिख रहे हैं तो। ख़त्म, फिजिकल एग्जामिनेशन आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। दूसरा हमारे को केमिकल एग्जामिनेशन करना है स्टूल का। तो केमिकल एग्जामिनेशन में अपन रिएक्शन, पीएच देखेंगे, ऑकल्ट ब्लड देखेंगे, मेन यही है ऑकल्ट ब्लड, और थोड़ा बहुत कोई और फैट वगैरह केमिकल टेस्ट अपन कर सकते हैं। तो रिएक्शन देखिए, पीएच नॉर्मल न्यूट्रल होती है, 6.9 से 7.2 पीएच होती है। पीएच डिपेंड करती है बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन में और बोवल में पुट्रीफैक्शन के ऊपर। एल्कलाइन पीएच है तो एक्सेसिव प्रोटीन इंजेक्शन को इंडिकेट करे कि भाई हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाया हो, या एंटीबायोटिक का यूज़ आप कर रहे हैं, या कोलाइटिस किसी को हुआ है तो एल्कलाइन पीएच होती है उसके स्टूल की। एसिडिक पीएच में कार्बोहाइड्रेट जो लोग ज़्यादा खाते हैं, या फैट का अगर जिसमें माल एब्जॉर्प्शन होता है उनके अंदर, स्टूल की पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है, या फिर लैक्टोज इनटॉलरेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आपको देखना है फैट्स। नॉर्मली 20% तक टोटल सॉलिड्स जो हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। पैनक्रियाटिक डिजीज़ में ये बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें पैनक्रियाटिक डिजीज़ में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या एंट्राइटिस किसी को हुआ हो, इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन का। नाइट्रोजन 1 से 1.5 ग्राम पर डे नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अगर ये बढ़ जाए तो एजोटोरिया, पैनक्रियाटिक एकाइलिया, पैनक्रियाटोजीनस फैटी डायरिया को, और इडियोपैथिक स्टीटोरिया को ये इंडिकेट करता है। स्टीटोरिया जो है फैट इन स्टूल, उसको स्टीटोरिया कहते हैं, ये कंडीशन है तो इसको इंडिकेट करेगा। इसके बाद स्टर्कोबिलिनोजन आप देख सकते हो, फीकल यूरोबिलिनोजन, केमिकल क्रिएटेड। ये केमिकल क्यों है, इसके अंदर गट के बैक्टीरिया की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो टूट जाता है, तो ये स्टर्कोबिलिनोजन बन रहा है। फर्दर इसका प्रोसेसिंग चलेगी तो ये ब्राउन कलर आपके स्टूल को प्रोवाइड करता है। नॉर्मली 40 से 280 mg पर डे ये प्रेजेंट होना चाहिए, एवरेज 150 mg पर डे होता है। इसका डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन पासिंग टू इंटेस्टाइन, जैसे जॉन्डिस अगर है तो जॉन्डिस के केस में बिलीरुबिन ज़्यादा पास होएगा इंटेस्टाइन में, तो उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा स्टर्कोबिलिनोजन कितना प्रेजेंट है। इसके अलावा कॉप्रोपोरफायरिन देख लीजिए, लिख लीजिएगा, इसके ये बहुत कम हो जाता है। अगर ज़्यादा हो गया तो ये कंजेनिटल पोरफायरिया को इंडिकेट करता है, और अगर ये कम हो जाता है तो लिवर डिजीज़ जैसे सिरोसिस हो गया होगा, हेपेटाइटिस हो गया होगा, पैसिव वीनस कंजेशन हो गया होगा, और मेटास्टैटिक लीवर के कैंसर को ये इंडिकेट करता है। अब ऑकल्ट ब्लड, मैंने कहा था आपको यूरिन के अंदर क्या ऑकल्ट ब्लड याद कर लीजिए, ये स्टूल और यूरिन में दोनों में आता है। ऑकल्ट ब्लड में अपन बेंजिडिन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, देखो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेजेंट है जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है तो आपको किसी तरह के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। पर ऑकल्ट ब्लड वो होता है जो ब्लड मौजूद होता है सैंपल में पर हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा, नॉट विजिबल माइक्रोस्कोपिकली, तो हम उसके लिए फिर ऑकल्ट यानी बेंजिडिन टेस्ट करते हैं, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। एबनॉर्मल प्रेजेंस जो है वो ऑकल्ट हेमरेज अगर हो जाए जीआई ट्रैक में, इसकी वजह से दिख सकता है। इसके हालांकि कई टेस्ट है, बेंजिडिन टेस्ट है, ग्वाइकम टेस्ट, ये जो लिखा हुआ है इसका पूरा नाम ग्वाइकम टेस्ट है, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट भी किया जाता है। ये टेस्ट पॉजिटिव आता है अल्सर में, डायवर्टिक्युलाइटिस किसी को हुआ हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ हो, डाइफ्रैग्मेटिक हर्निया हुआ हो, एडिनोमा हुआ हो, या सीए का कोलन कैंसर अगर किसी को हुआ हो तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बेंजिडिन टेस्ट हमने पढ़ा था कि भाई इसका प्रिंसिपल ये है कि परऑक्सीडेज एक्शन जो हीमोग्लोबिन का है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन बेंजिडिन को ऑक्सीडाइज करेगी एसिड मीडिया में, तो ग्रीन या ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। तो आप इसको देख सकते हो कि ब्लू कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ब्लू कलर आ गया तो टेस्ट नेगेटिव है, ब्लू ग्रीन आया, ग्रीन ब्लू आया, ब्लू आया, डार्क ब्लू आया, किस तरह का कलर आया है आप देखिए इसके अंदर। तो ब्लू नेगेटिव नहीं था, सॉरी,
मैं गलत बोल रही थी, ब्लू कलर जो होता है वो पॉजिटिव रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। अगर ब्लू कलर आ गया या ब्लू ग्रीन कलर आ गया तो टेस्ट इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, खत्म। इसके अलावा आप रिड्यूसिंग सबस्टांस देख सकते हो कि क्रॉनिक डायरिया कि अगर बच्चों को हो जाता है तो रिड्यूसिंग सबस्टांसेस आते हैं, जैसे लैक्टोज इनटॉलरेंस को आप चेक कर सकते हैं। सैंपल में 5 ग्राम स्टूल लीजिए, उसको 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीवर कर दीजिए, और लैक्टोज आप अगर स्टूल में होगा तो नॉर्मली ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा केमिकल प्रोसेस के द्वारा 2 से 4 घंटे के अंदर। ये रोटा वायरस के अंदर पॉजिटिव होता है बच्चों में, अगर रोटा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो, खत्म। इसके बाद लास्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अ फ्रेश सैंपल ऑफ स्टूल विच इज़ नॉट कंटेमिनेटेड विद डिसइंफेक्टेंट्स इज आइडियल फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इट इज़ यूजफुल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दैट इज पस सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल फाइबर्स, फैट ग्लोब्यूल्स, क्रिस्टल सिस्ट एंड ईस्ट सेल्स। तो हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे अपन कई सारे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे अपन पैरासिटिक अमीबी, फ्लैजिलेट, सीलिएट्स, एग्स, लार्वी, सिस्ट, इनको रिपोर्ट करते हैं, उनके नंबर के बारे में अपन बताते हैं। तो नंबर अपन स्कैंटी, फ्यू, मॉडरेट या मैनी के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। अब अपन इसमें डायरेक्ट वेट माउंट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सलाइन प्रिपरेशन ले सकते हो, या फिर जो नाम दिए हुए इनमें से कोई प्रिपरेशन आप बना सकते हो। स्टेनिंग करनी है तो ये सब नाम अपन ने पढ़े थे, जिम्सा वगैरह के, ये स्टेनिंग कर लीजिए, जेडन स्टेनिंग कर सकते हैं। कंसेंट्रेशन मेथड के अंदर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको देखिए। इसमें 2 मेथड आते हैं, फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन, सबसे ईजी वाले मेथड है। फ्लोटेशन मेथड के अंदर अपन कई सारी चीज़ें काम में ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सेंट्रिफ्यूगल फ्लोटेशन भी होता है। देखिए इसमें करना क्या है, मैं आपको मेथड बता देती हूँ। स्टूल को आपको जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में मिलाना है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर आप उसको हिलाएंगे तो पैरासाइट जो होते हैं वो फ्लोट होने लग जाएंगे, ऊपर ऊपर फ्लोट होंगे सॉल्यूशन में। तो अपन सिस्ट, कंसंट्रेट सिस्ट का, लार्वी का या हेलमिंथिक एग्स का अपन पता लगा सकते हैं फ्लोटेशन मेथड में। इसके अलावा सलाइन प्रिपरेशन देखिए, वॉर्म के एग, लार्वा, प्रोटोजोआ, ट्रोफोजाइट्स और सिस्ट को देखने के काम में आता है। इसमें स्मॉल अमाउंट में फीसेस आपको नॉर्मल सलाइन में मिलाकर के एग्जामिन करना है तो खूब सारी ल्यूकोसाइट्स दिखाई देंगी। अगर तो क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस को इंडिकेट कर रही है, क्रॉनिक बेसिलरी डिसेंट्री को, लोकलाइज एप्सेस को इंडिकेट कर रही है। आरबीसी का अमाउंट अगर बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब पर्सन को अल्सेरो इन्फ्लामेटरी कंडीशन हुई है बॉवल की, और साथ में ब्लीडिंग हो रही है कोलन और रेक्टम से। अगर आपको एपिथेलियल सेल्स का नंबर बढ़ा हुआ दिख जाए, इसका मतलब कैटरल इन्फ्लामेशन हुआ है बॉवल और कोलन का। क्रिस्टल दिख रहे हैं तो आप देखिए भाई, चारकोट लेडन के क्रिस्टल्स हैं क्या, ये कलरलेस डायमंड या निडल शेप के या हेक्सागोनल शेप के अलग अलग क्रिस्टल्स आपको अमीबिक डिसेंट्री में दिख सकते हैं। इसके अलावा फैट ग्लोब्यूल्स दिख सकते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिख सकते हैं, मसल फाइबर्स, वेजिटेबल सेल्स वगैरह आपको दिख सकती हैं। इसके अलावा अपन आयोडीन प्रिपरेशन कर सकते हैं, ग्राम्स आयोडीन के साथ में सलाइन जो अपन ने पिछले वाली स्लाइड में लिया था, सलाइन की जगह आप ग्राम्स आयोडीन ले लीजिए, एग्जामिन करिए तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो सिस्ट की है वो आपको दिखाई देगी। क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स के साथ में आप स्टेन कर सकते हो अमीबिक सिस्ट को देखने के लिए, तो वो ब्राउन कलर के दिखाई देंगी। ग्लाइकोजन वैक्यूल आपको ब्राउन कलर के दिखाई देंगे, और क्रोमेटिन बार्स हैं तो वो स्टेन नहीं होती हैं। आयोडीन जो है वो लिविंग मटेरियल को किल कर देता है, तो पैरासाइट की मोटिलिटी को आप इसमें नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा बफर्ड मिथाइलिन ब्लू प्रिपरेशन भी आप तैयार कर सकते हैं, ईओसिन वेट प्रिपरेशन आप तैयार कर सकते हैं। इनको पढ़ लीजिए, हर एक प्रिपरेशन को एग्जाम में वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, जो मैंने आपको बोल करके बता दी वो आप लिख सकते हैं। बफर्ड अमीबा के लिए, ईओसिन वेट सिस्ट और ट्रोफोजॉइड को डिटेक्ट करने के लिए देखते हैं अपन। कंसंट्रेशन मेथड में अब ये फ्लोटेशन मेथड आ गया, मैंने आपको बताया था ना, फ्लोटेशन मेथड के अंदर आपको उनको जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट डालना है स्टूल के साथ में, सेंट्रीफ्यूज करना है तो पैरासाइट आपको फ्लोट होते हुए दिखाई देंगे। लास्ट है सेडिमेंटेशन मेथड, ये भी फ्लोटेशन की तरह बहुत इजी है, ये दो तो रट्टा मार ही लो मेथड, बहुत इजी वाले मेथड है फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में आपको क्या करना है, वैसे ऊपर वाले में आपको सेंट्रीफ्यूज करा तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी ये ओवा सिस्ट आपको ऊपर तैरते हुए दिखाई दे जाएंगे सॉल्यूशन में। सेडिमेंटेशन में मेथड में अपन को क्या करना है कि आपको पैरासाइट्स जो हैं इस मेथड में फ्लोट होते हुए नहीं दिखाई देंगे सेंट्रीफिकेशन के बाद में,
इसमें अपन सेडिमेंटेशन मेथड में फॉर्मल सलाइन के साथ में सेडिमेंट करेंगे तो नीचे बैठे हुए आपको जो है वो पैरासाइट्स दिखाई देंगे, सेडिमेंट हो जाते हैं, वो ऊपर फ्लोट नहीं हो रहे, सेडिमेंट हो गए। इसके अलावा अपन सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मेथड भी काम में ले सकते हैं, जिसको आप खुद से पढ़ लीजिए कि भाई ग्रेन्यूलर सोडियम क्लोराइड को आपको बॉईल करना है एक्सेस वाटर में ताकि सैचुरेशन आ जाए, फिर हाफ फिल वाइड माउथ बॉटल में भरना है वगैरह वगैरह, खुद से पढ़ लीजिए। कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, आप उतना जितना मैंने बताया उतना लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जिंक सल्फेट सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन मेथड, अलग अलग फ्लोटेशन मेथड हैं, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, अपन तो सबसे ईजी वाला करते हैं, वो ईजी वाला अवेलेबल नहीं हो तो हम कोई दूसरा मेथड काम में लेंगे। ये वही फ्लोटेशन जिंक सल्फेट वाला ही जो मैंने आपको बताया था, बस इसमें लास्ट में देख रखा है कि वो जो ऊपर फ्लोट हो रहे हैं उनको आप माइक्रोस्कोप के नीचे लेकर के भी देख सकते हो, इजी स्टडी हो जाती है। फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन मेथड, सेडिमेंटेशन में फॉर्मल ईथर के थ्रू अपन सेडिमेंट कर रहे हैं, 2000 RPM पर 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करिए और नीचे जो सेडिमेंट आ गया उसको लेकर के आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। ये वही फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन, नीचे सेडिमेंट हुआ हुआ दिखाई दे रहा है, फॉर्मलिन और ईथर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, नीचे सेडिमेंट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको पैरासाइट वगैरह दिखेंगे। स्टेनिंग में ट्राइक्रोम स्टेनिंग कर सकते हो, जिम्सा स्टेनिंग कर सकते हो, क्रिप्टोस्पोरोडियम के लिए जेडन स्टेनिंग कर सकते हो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैलाको फ्लोर कर सकते हो, ये अलग अलग के लिए कौन कौन से स्टेनिंग है उनके नाम लिखे हुए हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। बस इसके बाद आपका स्टूल एग्जामिनेशन इतना ही है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, एग्ज़ाम में कौन कौन सा कितना क्या लिखना है वो आप देख चुके हैं। तो इसके साथ हम अपनी ये क्लास ख़त्म करते हैं, कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे मेल करिए।